हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसीजन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शारजा सीबीएफएस टी20 के आज के दिन के दूसरे मैच के बारे में, जो कि मैच यहाँ से खेला जाएगा एमजीएम क्रिकेट क्लब वर्सेस अलुमन टाइगर के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर्स पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से स्मॉल लीग में लेके जा सकते हैं, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ग्रैंड लीग में लेके जा सकते हैं, प्लस कौन सा प्लेयर्स हमारे लिए कैप्टनशिप और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहने वाला है, प्लस पिच रिपोर्ट और लास्ट में हमारी फैंटासी टीम देख लेते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्यों सब्सक्राइब करना है? क्योंकि ये टूर्नामेंट पूरी कवर की जाएगी, इसके साथ साथ बंगाल वुमन T20 जो चल रहा है ना वही कवर किया जाएगा और ECL T10 जो चल रहा है वो भी कवर किया जाएगा। और कल से वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए मैचेस शुरू हो रहे हैं, कैनेडा हो गया, आई थिंक नेपाल हो गए, तो वो सारी मैचेस जो अच्छी अच्छी मैचेस है सारी मैचेस कवर किया जाएगा। तो इसके लिए आप बोलता हूँ कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करें इस मैच की, तो ये मैच रात को 11:30 पर शारजा क्रिकेट स्टेडियम शारजा में शुरू होगा। शारजा स्टेडियम यानी बैटिंग फ्रेंडली पिच माना जाता है, शॉर्ट बाउंड्रीज है, बैट पे बॉल अच्छे से आएगी, यहाँ पर बैटमैन को अच्छा यहाँ से हेल्प मिल सकता है। बाकी पेशर्स यहाँ से शुरुआत के अंदर पेशर्स विकेट भी निकाल सकते हैं। बाकी एवरेज स्कोर की बात करते 110 के आसपास स्कोर बनता हुआ दिखाई दे सकता है आपको। बाकी चेजिंग रिकॉर्ड देखे तो 50-50 है, 29 मैच खेले गए, पहले बैटिंग करते 15 टीम ने जीता है और चेजिंग करते हुए 14 टीम ने जीता है, तो ओके रहेगा। लेकिन फिर भी यार पहली इनिंग के अंदर बैटिंग करना यहाँ पे थोड़ा सा आसान होने वाला है। तो चलिए अभी बात करते हैं यहाँ से टीम MGM की। तो दो मैच खेली, दोनों ही मैच वो जीत के आ रही है। आदिल मलिक टीम की कैप्टनशिप करवा रहे हैं, अपने शोएब मलिक जो है ना पाकिस्तान के, उनके छोटे भाई हैं और वहाँ से इनके जैसा परफॉर्मेंस करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग से इतना कुछ खास नहीं करवाए। दोनों ही मैच में दो ओवर्स पूरी करवाए लेकिन विकेट्स उनको एक ही मैच में मिला है, दूसरे मैच के अंदर विकेट नहीं मिला था। राइट हैंडेड बैटिंग करवा लेते प्लस लेग स्पिन गेंदबाजी करवा लेते हैं। यहाँ से एम हसन की बात करो तो ओपनिंग करवा लेते हैं और पहली मैच के अंदर उनको खेलने का मौका नहीं मिला। दूसरी मैच की बात करो तो 10 रन की है बैटिंग से और एक ओवर की गेंदबाजी करते हुए विकेट नहीं मिली, लेकिन आंकड़े काफी अच्छा कुछ बोल रहे हैं। 11 मैच के अंदर 129 रन है, 8 विकेट भी है, तो यहाँ से अच्छी पिक हो सकती है एम हसन। बाकी राहुल चोपड़ा के बारे में अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा होगा पहला, तो MGM का जब पहला मैच था ना तब वीडियो देख लेना, वहां पर मैंने सीधा यहाँ से पिक बोला था कि राहुल चोपड़ा को आप कैप्टन या वाइस कैप्टनशिप दे सकते हो, तभी इनका सिलेक्शन भी ज्यादा नहीं था और वहां से हमने सीधी दी थी। तो यहाँ से क्या हो सकता है, ऐसे प्लेयर्स जो कि आपको वॉचआउट करने के रहते हैं, तो हमने उनके ऊपर अच्छा प्रेडिक्शन किया था, वहां से उन्होंने 71 रन की पारी खेली थी। काफी जबरदस्त प्लेयर है और तगड़ा मारता है, बाकी विकेट कीपिंग भी करवा लेगा, तो यहाँ से कैचिंग से स्टंपिंग से भी अच्छे पॉइंट जनरेट करके दे सकते हैं। आज एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आज भी आप कैप्टनशिप या वाइस कैप्टनशिप देना चाहो तो राहुल चोपड़ा को दे सकते हो। बाकी वकास अली की बात करो तो दोनों मैच में डिसेंट स्कोर किया है और T10 के अंदर 38 और 16 काफी अच्छा स्कोर होता है, तो यहाँ से वकास अली को भी लेके जाएंगे। 16 मैच के अंदर 226 रन किए हुए। शारजा अभी जो T20 चल रहा है ना वहाँ एक आधी मैच के अंदर उन्होंने ओवर्स भी डाली थी, तो कभी एक आधी ओवर्स भी डाल ले तो ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं, कभी भी डाल सकते हैं। एतिजाज खान पहले मैच के अंदर 3 रन किए, दूसरे मैच के अंदर बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। बाकी आप रिकॉर्ड्स देख सकते हो, 40 के एवरेज से अभी तक रन किए हुए हैं, 46 विकेट्स भी हैं, लेकिन दोनों मैच में अभी तक ओवर्स तो नहीं कर रहे, बैटिंग से भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, लेकिन फिर भी आप वॉचआउट कर सकते हो उनको। अगर ऊपर खेलने के लिए आ गए, अगर उनको खेलने का मौका मिल गया, 2-3 विकेट अगर जल्दी गिर गई तो यहाँ से अच्छा खासा करते हुए नजर आ सकते हैं एतिजाज खान। यहाँ से बात करूँ एफ डोंगारोन, तो इतना ज़्यादा मैं प्रीफर नहीं करता इनको, ग्रैंड लीग में अगर आप ज़्यादा रिस्की खेलो तो लेके जा सकते हो, वैसे भी इतने कुछ खास इंपॉर्टेंट रहने वाले नहीं, लेकिन फिर भी आप अगर लेना चाहो तो उनको ले सकते हो। बात करें यहाँ से नियाज खान की, तो ये बंदा हमारे लिए कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहने वाला है, इनको मैं कैप्टन करके जा सकता हूँ। ये भी पाकिस्तान से रिलेट करता है और अभी रिसेंटली काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं पाकिस्तान की लिस्ट की तरफ से, तो यहाँ से नियाज खान अच्छी चॉइस है। हर एक मैच में लगभग आपको विकेट लेता हुआ नजर आ सकता है, इवन बैटिंग से भी अगर ऊपर खेलने के लिए आ गए ना थोड़ा तो आपको 30-35 रन भी मार के दे सकता है यहाँ से नियाज खान, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पिक है, इवन कैप्टनशिप और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस है। उमर हफीज पहले मैच वो खेले नहीं, दूसरे मैच के अंदर बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, एक ओवर की गेंदबाजी की जहाँ पर विकेट नहीं मिला। बाकी एम चौधरी की बात करो तो राइट हैंडेड बैटिंग करवा लेते प्लस ऑफ स्पिन गेंदबाजी करवा लेते हैं। ओवरऑल 11 मैचेस के अंदर 135 रन है, 3 विकेट्स है, लेकिन पिछले दोनों ही मैच में वो टीम में तो है लेकिन परफॉर्मेंस करने का अभी तक मौका नहीं मिला, तो परफॉर्मेंस के लिए अभी झिझक रहे और जब भी देख लेते, जब तक उनको मौका नहीं मिलता तब तक हमारी टीम में भी उनको मौका मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यार बैटिंग से तो काफ़ी नीचे, 9वें नंबर पर बैटिंग करवाई थी लास्ट मैच के अंदर और वो भी दाव नहीं आया था। तो आई थिंक ये इनके परफॉर्मेंस पर हम अगर देखने के लिए जाए तो ये हमारे लिए स्मॉल लीग में बिल्कुल प्रीफर नहीं करता मैं इनको, ग्रैंड लीग में ज़्यादा रिस्की खेलो तब ले सकते हो। बाकी डी कुरेशी अच्छी पिक होने वाले, दोनों मैच में पहले मैच में अंदर विकेट नहीं मिली, दूसरे मैच के अंदर 2 विकेट मिली, तो आपको क्या हो सकता है ना, ये बंदा आपको कभी भी एक आधी विकेट निकाल के दे सकता है। काफ़ी अच्छा प्लेयर है, काफ़ी अनुभवी प्लेयर है, पर यहाँ से रिसेंटली उनका जो शारजा T20 हुआ था ना वहाँ पर भी पिछली मैचेस के अंदर जो नॉकआउट मैचेस होते हैं, नॉकआउट मैचेस के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था,
हालांकि अपनी टीम को फाइनल तक तो नहीं ले जा सका, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा था। बात करें यहाँ से सफीउल्लाह नूर, दोनों मैच में पूरी ओवर्स करवाई है, विकेट अभी तक नहीं मिली, लेकिन कभी भी बंदा विकेट निकाल सकता है। चार मैचेस खेले जहाँ पर 5 विकेट निकाले हुए, ऑल ओवर रिकॉर्ड्स की बात करते हो, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी करवा लेता है, ये बंदा आपको डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी करता हुआ नजर आ सकता है यहाँ से सैफुल्लाह नूर। बाकी बेंच की बात करो तो सलमान नूर दिखेंगे, पहली मैच के अंदर तो परफॉर्मेंस जबरदस्त दिया था, लेकिन दूसरी मैच वो खेले नहीं। आई थिंक एक बार फिर से आज टीम उनको मौका दे सकती है, राइट हैंड बैटिंग करवा लेते हैं प्लस राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी करवा लेते हैं। बात करें यहाँ से टीम अलुबॉन टाइगर्स की, दो मैच खेली, दोनों ही मैच जीत के आ रही है, यानी कि दोनों ही जो टीम है ना, एमजीएम क्रिकेट क्लब और यहाँ से अलुबॉन टाइगर्स, दोनों ही दो मैच खेली है, दो मैच वो जीत के आ रही है। तो आज की जो मैच है ना वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होने वाली है दोनों ही टीम के लिए, क्योंकि जो भी जीतेगा वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा। सागर कल्याण पहली मैच के अंदर 3 रन किए, फिर क्या हुआ दूसरी मैच के अंदर इनका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं था, सागर कल्याण का बिल्कुल सिलेक्शन नहीं था, लेकिन हमने क्या किया, हमने अपने टीम में उनको लेके गए, क्योंकि यार हम स्टेटिकल के हिसाब से उनको जानते हैं, कभी भी एक बंदा का अच्छा स्कोर कर सकता है। और वहाँ पर क्या हुआ, हमारी सीधी विनिंग हो गई यहाँ से सागर कल्याण को लेके। तो यहाँ से सागर कल्याण वेरी इंपॉर्टेंट भी गए, 69 के एवरेज से धन है उनके T10 के अंदर, चार मैचेस की बात करूँ तो यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले सागर कल्याण। तो एज ए प्लेयर हमें उनको लेके जाना है, इवन कैप्टनशिप या वाइस कैप्टनशिप भी दे सकते हो, थोड़े से रिस्क रहेंगे लेकिन दे सकते हो। खालिद शाह जबरदस्त प्लेयर है, विकेट कीपिंग करवाएंगे, प्लस आपको कैचिंग से स्टंपिंग से भी अच्छे पॉइंट करके दे सकते हैं। 40 रन किए थे पहले मैच में, दूसरे मैच के अंदर 7 रन किए, तो ये बंदा भी कभी भी बड़ा स्कोर कर सकता है। इनका देखो इनका टॉप ऑर्डर भी काफी अच्छा है, यहाँ से अंश टंडन को अगर छोड़ दे तो, अंश टंडन इतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, बाकी बैटिंग ऊपर से करवा दे वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाकी खालिद इब्राहिम वो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यहाँ से के इब्राहिम, तो इनको तो लेके जाना ही पड़ेगा, बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों ही से अच्छा करते हुए नजर आ सकते हैं। लास्ट मैच के अंदर 3 विकेट निकाले बंदे ने और 26 रन भी किए थे बैटिंग करते हुए, बाकी ओवरऑल रिकॉर्ड तो ठीक ठाक है, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा लगा मुझे और हो सकता है अगले मैच के अंदर भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। नासिर अजीज दोनों ही मैच में ओवर्स करवा रहे, दोनों ही मैच में उनको विकेट्स मिली है, एक बार फिर से हम अपनी टीम में लेके जाएंगे, अच्छी पिक है और एज ए प्लेयर हमें लेके जाना चाहिए। एच कौशिक ज्यादातर लोगों की नजर नहीं है एच कौशिक के ऊपर, पहले बता देता हूँ, आप जाके खुद सिलेक्शन देख सकते हो और बाकी मैं खुद आपको दिखा दूंगा कि लास्ट में जब हम दिखाएंगे ना हमारी फैंटासी टीम तभी आप देख लेना, एच कौशिक का ज्यादा सिलेक्शन नहीं है, लेकिन बंदा कभी भी 1-2 विकेट निकाल सकता है। एम मुदस्सर दोनों ही मैच में अंदर उनको विकेट नहीं मिले, बॉलर्स काफी अच्छा है और T20 रिसेंटली जो शारजा T20 हुआ था वहां पर जबरदस्त परफॉर्मेंस था उनका, तो मुदस्सर भी कभी भी अच्छा अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकता है। तो ये दो प्लेयर है ना वो हमारी लिस्ट में वॉच आउट रहेंगे, एच कौशिक और यहाँ से मुदस्सर, तो दोनों ही वॉच आउट रहेंगे क्योंकि दोनों ही कभी भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कभी भी 2-3 विकेट लेने का हुनर रखते हैं। तो यहाँ से एच कौशिक और मुदस्सर दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ से एम समीर की बात करो, दोनों ही मैच में 2 ओवर्स पूरी करवाए, विकेट अभी तक नहीं मिले, ऑल आउट रिकॉर्ड देखने के लिए जा रहे हैं, 11 मैचेस के अंदर 13 विकेट है, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी करवा लेते तो अच्छी पिक हो सकती है यहाँ से एम समीर। बाकी बात करें यहाँ से एच शाहिद की, 6 मैच के अंदर 106 रन है, विकेट अभी तक मिला नहीं, ओवरऑल रिकॉर्ड्स की बात करो तो, पर पिछली दोनों ही मैचेस की बात करो तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, 17 रन किए थे पहले मैच के अंदर, दूसरे मैच के अंदर परफॉर्मेंस करने का कोई भी मौका नहीं मिला, हालांकि टीम में वो जरूर थे, तो हो सकता है कि टीम अगर उनको प्रमोट करेगी ऊपर अगर खेलने को भेज देती तो यहाँ से अच्छे खासा स्कोर भी कर सकते हैं। बाकी बैटिंग से काफी नीचे, इसके लिए स्मॉल लीग में मैं प्रिफर नहीं करता, ग्रैंड लीग में ज्यादा रिस्क खेलो तब उनको लेके जा सकते हो। बाकी मलिक एहसान तो ओके बिक गया, पहले मैच वो खेले नहीं, दूसरे मैच के अंदर सिर्फ एक ओवर की गेंदबाजी की थी, लेकिन क्या है ना इस बंदे का आई थिंक बहुत ज्यादा सिलेक्शन है, परफॉर्मेंस में इतना कुछ खास नहीं है लेकिन इनका सिलेक्शन काफी जबरदस्त है, तो यहाँ से हमें उनको नोटिस करना है कि ये प्लेयर को मैं मेरी स्मॉल लीग के अंदर यहाँ से अवॉइड कर सकता हूँ और इनकी जगह पर यहाँ से मुदस्सर को ले सकता हूँ और यहाँ से कौशिक या फिर समीर को ले सकता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो मलिक हसन ने 1 ही ओवर्स करवाई और ये जो सारे प्लेयर्स हैं वो 2 ओवर्स पूरी करवा रहे हैं, बाकी अपने हिसाब से देख लेना, अपने हिसाब से कुछ चेंजेस करना हो तो कर सकते हो। बाकी बेंच की बात करते हैं, यहाँ से रंजीत मणि 1 मैच खेल चुके हैं इसके बाद खेले नहीं, यहाँ से शरीफ अब्दुल्ला भी असदुल्ला वो भी 1 मैच खेले इसके बाद खेले नहीं, बाकी जेट जो है यहाँ से गुलजवन और यहाँ से नीलाश केशवाणी तो इनको अभी तक खेलने का मौका मिला नहीं है, बाकी अगर खेलेंगे तो बेंच से कौन इंपोर्टेंट हो सकता है, यहाँ से रंजीत मणि और यहाँ से जेट जो है और यहाँ से बस इतने तक ही रिलीज रखेंगे, बाकी सबको तो बताने की कोई जरूरत नहीं, बाकी यहाँ से जेट जो है और यहाँ से रंजीत मणि दो अगर खेले तो दोनों इंपोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए अभी हमारी फैंटासी टीम देख लेते हैं एक बार कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से अवॉइड करके जा सकते हैं। तो यहाँ से विकेट कीपिंग सेक्शन में दोनों इंपॉर्टेंट हैं, खालिद शाह और यहाँ से राहुल चोपड़ा दोनों इंपॉर्टेंट, ऊपर खेलेंगे प्लस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए दोनों ही जाने जाते हैं, तो अपने हिसाब से दोनों को ही लेके जाना है यहाँ से। बाकी बैटिंग सेक्शन की बात करें तो यहाँ से वकास अली यहाँ से अंश टंडन और यहाँ से एस कल्याण को लेके जाएंगे, और ऑलराउंडर सेक्शन की बात करो तो मैंने यहाँ से ए मलिक को लिया, अभी आप देख सकते हो जहाँ पे मैंने पहले बताया सिलेक्शन, आप देख सकते हो 85.5
85.95% सिलेक्शन है, लेकिन क्या है ना, सिर्फ बंदे ने सिर्फ एक ही ओवर्स करवाई है। और यहां से बात कर रहा हूं, कहां गए एच कौशिक, उनका सिलेक्शन आप देख सकते हो 23%। और मुदस्सर, मुदस्सर का सिलेक्शन देख सकते हो 5% सिलेक्शन में। तो यहां से क्या हो सकता है, मुदस्सर वेरी इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं। दो ओवर्स करवाते हैं, अगर वो खेल गए एक आधी विकेट भी अगर ले जाते हैं तो यहाँ से सीधी विनिंग आपकी हो सकती है। तो इनको आपको वॉच आउट करके रखना है, बंदे के अंदर कैपेसिटी है, 2-3 विकेट एक साथ में भी लेता हुआ नजर आ सकता है। हो सकता है मेरी फाइनल टीम के अंदर में भी उनको मौका देके जाऊँ। तो अभी के लिए टीम मेरी आप देख सकते हो कि कैप्टनशिप मैंने यहाँ से दिए नियाज खान को, और वाइस कैप्टनशिप यहाँ से राहुल चोपड़ा को दी है। तो कुछ इस तरह से टीम हो सकती है, लेकिन इसमें फाइनल लाइनअप के बाद आपको काफी सारे चेंजेस होते हुए दिखेंगे। फाइनल लाइनअप के बाद फाइनल टीम के लिए सिंपली टेलीग्राम से जुड़ जाना, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लस आपको नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगी। इनकेस अगर लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाकर आप सर्च कर सकते हो फैंटेसी डिसीजन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा, सिंपली उसे ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर सकते हो अपना समझकर, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। एक बार वापस बोल रहा हूँ, आप लोग भूल जाते हो यार, बिल्कुल भूल मत जाना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यार आपके लिए ही है। और आगे अच्छी मैचेस आ रहे हैं, और अच्छी मैचेस की वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहे, इसके लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छा एनालिसिस करते रहो, अच्छी टीम बनाते रहो, अच्छी विनिंग करते रहो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ नया लेके और कुछ इंपॉर्टेंट लेके, जहां पर विनिंग आपकी अच्छी हो। बाकी बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।